चास थाना क्षेत्र के बिजुलिया बैलुंजा निवासी नीताय चंद्र महतो पिछले 5 दिनों से लापता थे, जिनका पता चल गया। परिजनों ने बताया कि नीताय चंद्र महतो मजदूरी का काम करते हैं और 26 तारीख को काम पर जाने को बोलकर घर से निकले थे, जिसके बाद वो वापस नहीं आए, जिसके बाद उनके परिजनों ने एक सनहा दर्ज कराया और पुलिस ने सभी सूचना तंत्र को इसकी जानकारी देते हुए तलाश जारी कर दी। आपको बता दें कि नीताय चंद्र महतो जहाँ मिले वो जगह उनके घर से महज 15 या 20 किलोमीटर की ही है। गायब था और कहाँ मिला? मेरा पति 26 तारीख से गायब था और उसके बाद मिला कहीं पर था, मतलब तालगड़िया मोड़ के थोड़ा सा आगे मिला है, रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने मनोहर होटल है, वहीं पर मतलब वो लोग रखा था और वीडियो कॉल से हम लोग को दिखाया, वहीं पर मिला है। एक तारीख 10 मिनट पहले एक तारीख को मिला, मतलब 26 से मतलब गायब था तो 1 तारीख को मिला। इस संबंध में चास मुफसिल थाना प्रभार में तैनात दिलीप हंसदा ने भी सत्यापन कर दी। 26/7 को रीता देवी ने अपने पति अनिमाय महतो को लापता होने का रिपोर्ट लिखवाया था थाना में। इस माध्यम से वायरलेस के द्वारा बोकारो जिला के जितना भी थाना है सबको वायरलेस तैयार कर दिया गया था। विज्ञापन के द्वारा भी फैला दिया गया था कि फलना आदमी ऐसा लापता हुआ है फलना। इस संबंध में थाना में सनहा दर्ज कराया गया था और अपने स्तर से खोजबीन भी चालू था। आज दिनांक 1 तारीख को पता चला कि लगभग 1 बजे पता चला कि थाना में लाके इसका परिजनों को सही सलामत सौंप दिया गया। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।